गौरव गोगोई जी, राज्य सरकार को बनाना है, राज्य सरकारों को सलाह दे सकते। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी अप्रिशिएट ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अप्रीता जी फॉर रेजिंग अ वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन एंड ऑल्सो अप्रिशिएट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हिज फ्रैंकनेस एंड हिज डेडिकेशन टू दिस सब्जेक्ट। सर, वी ऑफन टॉक अबाउट पीपल लिविंग विद डिसबिलिटीज एंड चिल्ड्रन लिविंग विद डिसबिलिटीज, बट डू वी गिव दम स्पेस इन पॉलिसी मेकिंग? डू वी गिव दम स्पेस इन अ पॉलिसी प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस? If they are given space, I'm sure we will get the necessary suggestions. So my request is that you have, as your minister talked about, which is the National Curriculum Framework, there is also the National Education Policy Task Forces which is being set up in different states. Agar har manch mein people living with disabilities or experts ko sthan diya jayega, to us manch mein wo apni baat rakh payenge aur hum bhi aane wale samay mein upyukt kadam utha payenge. To yahi meri darkhast sarkar se rahegi. Dhanyawad. अध्यक्ष महोदय, ये एक हेल्दी डिस्कशन सदन में हो रहा है। ऐसे बहुत सारे विषय हमारी देश में हैं जिसमें शायद सदन बिना विवाद की सहमत हो रहा है। मैं निश्चित रूप में गौरव गोगोई जी ने जो विषय उठाया, आज की राज्य में जो एसएफसी स्टेट एससीएफ बना है, स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क बना है, इसकी विमर्श हम जिला तक भी लेके जा रहे हैं, स्टेट में नहीं जिला तक भी लेके जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया के लोग भी, तज्ञ और प्रभावित लोग, नीति निर्धारण से लेके ऊपर तक उसमें इन्वॉल्व हो, उसकी हमारी कोशिश है। और भी कोई सजेशन सदन की और सदस्यों के माध्यम से आएगा, उसको हम सहृदय अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं।